किसान एग्रो सेंद्रिय शेती यूट्यूब चैनल मध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण मल्लेवाडी येथे दिलशाद मुजावर यांच्या प्लॉटवर कॅप्सिकमच्या प्लॉटवर आलेलो आहे। त्याने लागण करायचे जे झालेले आहेत आळवणी त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला सांगतोय की मरीन बॅग केअरटेकर त्याची फवारणी झालेली आहे। प्लॅटफोर्ड म्हणून आहे त्याचे आणि क्लिअर हॉल आणि कॅनव्हास डबल 100 आणि सुपर सिलची पण आळवणी झालेली आहे। हे डबल 100 हे फवारणीमध्ये केअरटेकर हे बुरशीनाशक आहे ऑर्गॅनिकमध्ये आणि हे क्लिअर हॉल हे थ्रिप्स आणि पांढऱ्या माशेसाठी इथं कट्टी नाही आहे पण कट्टीचा पण स्प्रे झालेला आहे यांना। आणि आज त्याच्या आधी 15 दिवस आधी स्टॉकोसॉल्ब सोडलं होतं आणि आता दुसऱ्यांदा स्टॉकोसॉल्ब सोडत आहेत आणि हे 1 एकरसाठी 50 ग्रॅम स्टॉकोसॉल्ब सोडत आहेत। हे स्टॉकोसॉल्बची बॉटल स्टॉकोसॉल्बमुळं काय काय फायदे होतात हे बऱ्यापैकी शेतकऱ्यांना माहीत आहेत, तरी पण मी एकदा सांगतो की यानं माती भुसभुशीत होते म्हणजे जमीन भुसभुशीत होते, शिवाय आपण जे काही खतं टाकतो आहे ते खतं वाहून जात नाहीत, माती वाहून जात नाहीत, खतं वाहून जात नाहीत, लिचआउट होत नाहीत आणि जमिनीचं इतकी भुसभुशीत होते की जमीन फुगते आणि त्याच्यामुळं पांढरी मुळी निघायसाठी फार मदत होते। आता हे आपण इथं शेतकऱ्यापासून पण जाणून घेणार आहे। आता हे पाण्यामध्ये मिक्स केलेलं आहे आणि इथं 2 पंप आहेत, या 2 पंपाद्वारे हे ड्रीप न सोडणार आहेत। इथं हे जॉईन केलेलं आहे आणि जास्त वेळ जर ठेवलं तर हे पाण्यामध्ये घट्ट होत असते म्हणून त्याला पाण्याचं प्रमाण जास्त घ्यावं लागते, तर थोडंसं पाणी इथं कमी घेतलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे लवकरात लवकर पटापट हे सोडायचं आहे। हा पंप चालू झालेला आहे। जसं जसं पंपातलं औषध कमी होत जाईल तसं त्या पद्धतीनं पाणी त्याच्यामध्ये ते स्टॉकसारखं पाणी त्याच्यामध्ये टाकलं जाईल। जे झालेले आहेत आळवणी त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला सांगतोय की मरीन बॅग केअरटेकर त्याची फवारणी झालेली आहे। प्लॅटफोर्ड म्हणून आहे त्याचे आणि क्लिअर हॉल आणि कॅनव्हास डबल 100 आणि सुपर सिलची पण आळवणी झालेली आहे। हे डबल 100 हे फवारणीमध्ये केअरटेकर हे बुरशीनाशक आहे ऑर्गॅनिकमध्ये आणि हे क्लिअर हॉल थ्रिप्स आणि पांढऱ्या माशेसाठी आणि इथं कट्टी नाही आहे पण कट्टीचा पण स्प्रे झालेला आहे यांना। आणि आज एकदम तलाय आहे का तिसऱ्या मळी आहे का देखील व्हिडिओ मुळ्यापर्यंत निश्चित काय व इधर बेड काही एंड घ्या आहे का बेड काही एंड घ्या एंड मल्चिंग है स्टार्ट है एंड है यहाँ तक मुड़े आई मस्त वो स्टॉक सॉल्व की वजह से अभी देखो एक कितना अंतर है मतलब झाड़ में से एक बिल्ली फुट चार इतने मुड़े बुढ़े हाँ इतने लंबे मुड़े जब तक ऊपर झाड़ है उतने मुड़े नीचे बड़े से ये देख रहे हैं आप ये देखो ये स्टॉक सॉल्व छोड़ के कितने दिन हुए अभी 15 दिन हो गए 15 दिन हो गए उसके साथ में अपन ये भी छोड़े थे राइज मरीन बैक्ट डबल 100 सुपर सील बराबर ना। हाँ देखो यहाँ तक मूली आई है ये सब सफ़ेद मूली है ये अनाज खाने वाली मूली है और ये यहाँ पे पौधा है आप देख सकते
और ये दूसरा है इधर जहाँ पे अपन ने स्टॉक सर्फ नहीं छोड़ा है वहाँ भी देखेंगे यहाँ की जड़ें कहाँ तक है। तो ये पेड़ आप देख रहे हैं पेड़ यहाँ तक है, एक बालिस और दो पैक। अभी यहाँ देखेंगे इधर कुछ मोड़ी नहीं दिख रही, कुछ नहीं है यहाँ क्योंकि इसमें स्टॉक सॉल्व नहीं गया है। इसकी मुड़ी है किधर देखो, इधर यहाँ रहेगी। हाँ यहाँ पे है ऐसे, क्योंकि यहाँ तक भी क्यों है कि इसमें राइज मरीन बैक्ट और डबल हंड्रेड सुपर सील इसको गया हुआ है, सिर्फ स्टॉक सॉल्व नहीं गया हुआ है। तो स्टॉक सॉल्व का डिफरेंस इतना है कि एक और उधर कितना था वो एक बिलिस चार बोर्ड पे था। हाँ एक बिलिस और चार बोर्ड पे। हाँ यहाँ पे उस लाइन में था, यहाँ पे मोड़ी नहीं है, यहाँ पे नहीं है, उधर ऊपर है, यानी कि एक बलिस पे है। हाँ एक बलिस पे है, क्योंकि दूसरा जो प्रोडक्ट इसके साथ में अपने राइज और मरीन बैग छोड़ा है उसका रिजल्ट इसमें दिख रहा है आपको। अगर जो स्टॉकोसॉल्व की वजह से ज़मीन जो भुरभुरा हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, वो सिस्टम इस बेड में नहीं है, अदर सभी बेड में वो सिस्टम हो गया है। इधर एक भी मोड़ी नहीं है देख सकते आप, इधर कुछ भी नहीं है, इतना खोद रहे हैं हम, यहाँ पे कुछ नहीं आया है इसका, ये डिफरेंस है। और आपको क्या लगता है डिफरेंस, और आपको क्या लगता है वो इसमें जो अभी फुट बीट आई है हाइट है उसमें क्या आपको क्या लगता है? हाइट तो इधर ज़्यादा है, फुल कली भी ज़्यादा है उसको फुल कली भी निकल आई है, हाइट भी है। और इसको ये क्या बोलते शूट भी, यानी फुटवे बहुत ज़ोर से आए हैं, देख सकते हैं आप, ये देखो यहाँ तक निकला है, यानी कि जड़ से नीचे से इसको सब निकला हुआ है। अब इधर देखेंगे हम, इधर थोड़ा कम है, इधर इसमें नहीं है, है थोड़े थोड़े मगर ज़्यादा उसके जैसा इसमें बढ़ोतरी नहीं है। तो आपसे देख सकते हैं स्टॉकोसॉल्व जो अभी दवा छोड़ी है ये, उसके आगे का मैंने पार्ट 15 दिन के बाद बनाया हूँ अभी। तो आप इसमें देख सकते हैं इसमें जड़ें कैसा फैल रही हैं, और मल्चिंग भी आप देखेंगे तो ये इधर के जो मल्चिंग है पूरे टाइट हो गया है, क्योंकि इससे जो है मिट्टी फूकती है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन लेवल बढ़ने की वजह से फूक जाती है। इसके इधर का मल्चिंग सब टाइट हो गया, मगर अभी इधर का मल्चिंग अपन देखेंगे तो एकदम ढीला मल्चिंग है, आप देख सकते हैं, देखो मल्चिंग कितना ढीला है जमीन। हाँ ये ज़मीन भी इसका हाथ लगा के देखेंगे तो बहुत हार्ड है, और इसमें हाथ लगाएंगे तो एकदम नरम लगता है, देखो इतना घुस जाता है इसमें, उंगली डालेंगे तो इतना इसका डिफरेंस है। तो सभी किसान भाइयों से आप क्या कहना चाहेंगे स्टॉकोसॉल्व के बारे में? स्टॉकोसॉल्व अच्छी दवाई है, ज़रूर इस्तेमाल करें, मुझे तो 100% रिजल्ट आया है इसका। हाँ तो और आपका जो पहले 15 दिन पहले जब आप छोड़े थे तब इसमें कुछ पौधे मर रहे थे आपने बताया, हाँ, था वो, अभी वो कुछ हो गया था जो रूट में वो गर लगती है बोलते हुए वैसा हो रहा था, फिर उसके बाद में स्टॉकोसॉल्व छोड़ने के बाद में वो पूरा कम हो गया, वो भी कम हो गया। ये फिर से क्या है लगाए भी नहीं उसमें, सब पौधे अच्छे हरे निकल आए। ओके थैंक यू। आपका नाम एक बार और एक बार बता दीजिए। इरशाद मुजावर। गांव मल्लेवाड़ी। तालुका जिला बताइए। मेरा जिला सांगली महाराष्ट्र। मोबाइल नंबर आपका बताइए धीरे धीरे, हमारे किसान भाई देख रहे हैं। 87 88 44 38 63। ये मराठी में बोला आपने, इंग्लिश में एक बार बोल दीजिए। 87 बोलो। हाँ आप बोलो, आप मराठी में बोलो, मैं इंग्लिश में बताऊँगा। 87 88 44 38 63। ये मोबाइल नंबर इनका है, आप इनको भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं बाकी दवाइयों की, स्टॉकोसॉल्व डबल हंड्रेड सुपर सील और राइज मरीन बैक्ट, ऊपर से स्प्रेइंग के लिए इन्होंने कट्टी वगैरह वायरस के लिए यूज़ करते हैं, और क्लेरॉल उसका भी यूज़ किया है, अड़ी के लिए इन्होंने किको यूज़ किया है, उसका भी आप इनसे पूछ सकते हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं बिंदास। धन्यवाद।